ब्रदर नमस्ते देवी हाँ सर है ना हम सर 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 एमपी वहाँ पे महाराष्ट्र से एमपी भी तुम एंटर नहीं हो सकते एमपी बूथ हो गया समझिए ये बोलो तो तेलंगाना में था वो करीमनगर से उधर से इधर से फिर भी छोड़े उड़े वो कब तक कल शाम तक था कल शाम था कि हमारे सीएम साहब और दिल्ली से भी जितने भी ऑफिसर आप बात करें इंटर स्टेट बॉर्डर 14 तारीख तक सील करो बोल के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है उसी ने नहीं तो कल तक भी यहाँ पे थोड़े लोगों को छोड़ रहे थे महाराष्ट्र से वगैरह लेकिन कल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि किसी को भी नहीं छोड़ना और पूरे इंटर स्टेट बॉर्डर सील करना होगा ठीक है। अब प्रॉब्लम तो ये है अब वो तुम्हारा अकेले को नहीं पूरा देश में ये प्रॉब्लम है देखो अब उसका बात करेंगे बात करके अब तुम कहाँ से आए पूरे लोग एक जगह से नहीं है सारे एक जगह से नहीं है बैंगलोर से है बाबू तुम्हारा बैंगलोर का आईडी कार्ड बताओ वारंगल करीमनगर आईडी कार्ड बताओ तुम्हारा तू क्या काम करते आप क्या काम करने वाले आप पूरे मेरे आप लोग पूरा जमा कैसे हुए जी जमा कैसे हुए कहाँ से आए नमस्ते कल तक तो नहीं सर सुनो कल तक तो थोड़ा छोड़े लोगों को कल रात में टीवी पे सबको बताया गया कि कोई भी स्टेट का बॉर्डर खुला नहीं रहेगा पूरा स्टेट के बॉर्डर सील हो गए उसीलिए तुम्हारे को आगे महाराष्ट्र को जाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो हो सकता था छोड़ते होंगे लेकिन आप महाराष्ट्र के बाद आप जाना नेक्स्ट एमपी वहाँ पे महाराष्ट्र से एमपी भी तुम एंटर नहीं हो सकते एमपी से राजस्थान में तुम एंटर नहीं हो सकते अरे सुनो भाई को यहाँ से निकले तो ना वहाँ तक जाने का ये तेलंगाना पार हो तो ना तुम तेलंगाना पार हो के तुम महाराष्ट्र गए तो ना राजस्थान का सोचने का कल तक तो नहीं तो सुनो कल तक तो थोड़ा छोड़े लोगों को कल रात